अग्रि क्लिनिक और अग्रि बिजनेस सेंटर स्कीम खोलने का मौका दे रही है दोस्तों नाबार्ड। भारत सरकार की ओर से जो संस्था है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे आप और हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, वो मौका दे रही है आपको आपके अपने ज़िले में, गांव में, शहर में, कस्बे में अग्रि क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम खोलने का मौका, जिसे आप AG एंड AC स्कीम भी कहते हैं या सेंटर भी कहते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, कौन अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, क्या इसके लिए कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और वगैरह वगैरह, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट, और पहली बार आए हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊँ ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसके तहत ये वेबसाइट और ये डिटेल जो है दोस्तों मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके तहत आप कर क्या पाएंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छी अनोखी स्कीम है इसके तहत जो आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा, साथ ही साथ आपके अपने एरिया का डेवलपमेंट भी आप कर पाएंगे खुद से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। सॉयल हेल्थ को लेकर दोस्तों जो मृदा जाँच होती है, मिट्टी की जाँच, वो आप कर पाएंगे, उसकी व्यवस्था सरकार आपको देगी। कई तरह के आपको फसल लगाने की जो ट्रेनिंग तमाम तरह की चीज़ें हैं वो सरकार आपके माध्यम से वहाँ पे करवाएंगी, ठीक है। आपके पौधों की सुरक्षा कैसे कीड़ों से कर सके और तमाम तरह से कर सके, उसके लिए भी तमाम तरह की चीज़ें व्यवस्था सरकार आपको देंगी। क्या कोई भी चीज़ उत्पादन करने के बाद उसको किस तरह से बेहतर तरीके से हार्वेस्ट किया जाए, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी की भी जानकारी आपके पास से होगी, साथ ही साथ वो चीज़ें आप लोगों को मुहैया करा पाएंगे रेंट पर या फिर वो खरीदना चाहेंगे, तो वो एक तरह से आपका शॉप भी होगा, एक तरह से आप डॉक्टर भी होंगे, एक तरह से आप बिजनेसमैन भी होंगे और आप एक तरह से इंस्ट्रक्टर साथ साथ टीचर भी होंगे, ठीक है। क्लिनिकल सर्विसेज फॉर एनिमल्स फीड्स एंड फॉडर मैनेजमेंट, यानी कि आप चिकित्सीय सहायता भी दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो सिर्फ जो पशु आहार और तमाम तरह की चीज़ें होती है वो भी आप सेल कर सकते हैं लीगली। प्राइसेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन द मार्केट, साथ ही साथ आप बीज, यूरिया, DAP ये तमाम तरह की चीज़ें भी सेल कर पाएंगे सेंटर्स के माध्यम से, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई कौन कर पाएगा, सवाल आपके मन में आता होगा। सवाल का आंसर दोस्तों ये है कि आपको इसके लिए चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आपके अपने बच्चे को आप ग्रेजुएट नहीं किए तो ग्रेजुएट करें, और ग्रेजुएट कोई भी, खासकर ऐसे ग्रेजुएट्स जो कि एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर के कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक से, सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, फिश फार्मिंग हो, एग्रीकल्चर हो, इस तरह कुछ भी चीज़ों से, पिसीकल्चर हो, सिर्फ हो गया हो तो भी कर सकता है। अगर आप इनसे नहीं भी हैं तो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए आपको दोस्तों इन्हें मेल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट, बताना पड़ेगा आपकी आपकी अपनी क्या सोच है, उसके आधार पर आपको ये अप्रूव करके आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 महीने की ट्रेनिंग सरकार की तरफ से मिलेगी, जो कि रहना खाना सब कुछ फ्री होगा, ट्रेनिंग भी फ्री होगा। आपके अपने हर राज्य में ट्रेनिंग सेंटर्स है, संस्थाओं के माध्यम से ये आपको ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पर आपको रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, आप फ्री में रह सकते हैं, खा सकते हैं और ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, ठीक है। इससे अब आपको फायदा क्या होगा, ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उससे लीगली आप वो तो खोल ही पाएंगे, साथ ही साथ आपको सरकार लोन भी देगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, सरकार आपको लोन देगी और इस लोन में आपको सब्सिडी मिलेगा, आपको पूरी रकम जमा नहीं करना है, उसकी भी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यह थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, तो मैं एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा खासा, मान लीजिए 1 लाख रुपये का आपको लोन मिलता है तो आपको मुश्किल से 60,000 रुपये ही जमा करना है, बाकी 40% आपको सब्सिडी के रूप में सरकार आपको दे देगी, जो आपको जमा नहीं करना है। तो ये जो योजना है दोस्तों ये काफ़ी अच्छी योजना है और इसके तहत आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को अच्छा कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।